अच्छा यहाँ से कोई किश्ती वाला आया, टोकरा रखा, तुमने उनके साथ बोली लगाई तो तेरे को सस्ता पड़ेगा। अच्छा, व्यापारियों ने ले ली, फिर व्यापारियों से तुम लेगा तो तेरे को महंगा मिलेगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो एक तो मछली आती है ताज़ी, ठीक है, ये नहीं है कि इब्राहिम हैदरी में जो फिश है वो शेर से महंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इब्राहिम हैदरी से ही मछली जो है वो शेर की मार्केटों में भी जाती है। अगर इब्राहिम हैदरी में महंगी होती तो ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो अनजान लोगों को जो है लूटते हैं, इसलिए ज़रूरी है लोगों को भी चाहिए कि इसकी मालूमात रखें कि कौन सी मछली का कितना रेट है। और दूसरी बात जो है, मैं कराची के ख़ासकर आवाम को ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप मालूमात रखें, आपको मछलियों की जो क्वालिटीज़ हैं एक तो इसका मालूम होना चाहिए, दूसरी मछली जो है क्वालिटी वाइज यानी ए बी और सी क्वालिटी, इसमें भी आप थोड़ा सा वो तजर्बा हासिल करें। आपके इलाके में अगर कोई अच्छा मछली बेचने वाला है तो ये मालूमात आपको फराम कर देगा कि ताज़ी मछली जो है उसको किस तरह जो है वो परखा जाए। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लोगों में जो अच्छे मछली फरोश हैं उनसे सिर्फ आप ताज़ी मछली होने का जो है वो मालूमात ले लेंगे तो वो आपको बता देंगे। लेकिन जो मछली का टाइम जो है यहाँ पे मछली का टाइम सुबह 6 से लेकर 8:30 आखिरी 9 तक है। तो आप कोशिश करें कि 7 और 8 के दरमियान अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मछली जो है वो सस्ती और अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद आप आओगे तो इससे पहले जो शहर के व्यापारी जो हैं जो यहाँ मोटरसाइकिलों पे और छोटी गाड़ियों पे आते हैं तो मछली जो है ख़रीद कर ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में, और इब्राहिम हैदरी में अगर फ़िश लेनी हो तो उसकी जो सही टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक है। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब यहाँ पे 8:30 हो रहे हैं, तो इस वक्त यहाँ पे नीलामी चल रही है, तो ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कौन कौन सी मछली है आपके पास? ये 2-3 के बच्चे हैं, ये सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा क्या हिसाब है? ये सिंगाड़ा सस्ता है भाई, वैसे मार्केट में तो 350-300 रुपये चलाते हैं, मगर हम यहाँ पर 150 चलाते हैं। और ये कैसा भाई है? ये 100 रुपये किलो है हमारे पास। ये 2-3 के बच्चे हैं? हाँ, 100 रुपये किलो जी। तो ये पूरा टोकरा देते हैं? जी हाँ, मार्केट के अंदर पूरे टोकरे का सौदा होता है, मगर मार्केट के अंदर ना वहाँ पर किलो के हिसाब से बिकती है। वो चलो काला बाबू लोडो लाजे भाई। ये कौन सी है ये वाली? कौन सा वाला? ये बोरा। ये कैसा है? कौन सा वाला ये? हाँ, ये सबका 1000 रुपये मांग रहा है। सबका 1000 रुपये? कितना किलो होगा इसके अंदर? ये हो जाएगा 5-6 किलो। 5 किलो है? 5-6 किलो होगा। 5-6 किलो? 6 किलो। और ये कौन सी है? ये पापलेट है। ये एक पापलेट है और बोई वाली बच्ची है। अच्छा अच्छा, इनके क्या मांग रहे हैं? ये सबका 2000 मांग रहा है। सबका 2000? ये लो वॉलर चल। क्या मांग क्या रहे हो बुरे? इसकी मांग क्या? 1500। कितनी होगी इसमें? तुम देखो 4-5 किलो। अच्छा जी, इसके 1500 मांग रहे हैं, 4 से 5 किलो। अच्छा, ये व्यापारी लोगों ने खरीद के माल रखा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसके रेट बताएगा कोई कितने कितने का है? अच्छा जी, ये वो तमाम यहाँ से टोकरे हैं तो यहीं से खरीद के व्यापारियों ने रखे हुए। ये मुश्किल है। ये क्या साहब है? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? जी, 1 ग्रेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो ईरानी मुश्किल है? ये दो दांत वाला मुश्किल है। जेनियन है, बिल्कुल जेनियन मुश्किल है। यही है जी, जेनियन है। और बताना, और कौन कौन सी? और कौन सा बताओ? सुलेमानी मच्छी। अच्छा जी, ये सुलेमानी मच्छी ये कितने की है? ये 250 रुपये किलो सर। ये 250 रुपये किलो जी। ये 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो? ये कौन सी है? मुश्किल है। मुश्किल है। सही सही। और ये धोता रहे? ये धोता रहे जी। ये क्या साहब है? ये फ्राई वालों के लिए। ये कितने की है? ये सब 600 का लिए। सब 600 मतलब ये आपको 100 रुपये किलो पड़ गया। ये 100 रुपये किलो जी। और ये झींगा? ये झींगा क्या साहब है? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो जी। ये टाइगर है? ये टाइगर है, ये जो ना जेरा है। टाइगर और जेरा मिक्स है जी। सही सही। और वो छोटा झींगा? वो छोटा झींगा ये क्या साहब है? 300 रुपये किलो। ये 300 रुपये किलो जी। और ये बताएं, 800 रुपये ना? ये कितना? 800 होता है। ये कौन सी है? ये छोटा मुश्क है। 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो जी।
और बताओगे कोई? ये जो ना सोल पीस है सर, सोल पीस ये कितने की है? ये सर 200 रुपये किलो चल रही है। 200 रुपये किलो जी। तुम बताना इसमें कितने कितने ही? आप आते हैं ना 200 रुपये किलो। ये 200 रुपये किलो जी, सोल पीस। सोल पीस, सही सही सही। ये 200 की आपने खरीदी है, 200 की बेच रहे हैं? बेच रहे हैं 200 की सर। आप 200 की बेचते हैं? 170 में पड़ दिया ये सर। ये मुश्किल है। ये ग्रेट है सर। ये क्या साहब? 800 रुपये किलो। इसको हाथ में पकड़ना जी। 800 रुपये किलो जी। ये मुश्का जी 800। ये 600 रुपये किलो, बड़े वाला 800 रुपये किलो। छोटा 600, बड़ा 800 है जी। ये कौन सी है? ये बोई है सर। कौन सी जी? 400 रुपये किलो है। कौन सी है? बोई। बोई जी। ये तो कुक्कड़ लग रही है। इधर कुक्कड़ है, डंडिया है। ये क्या साहब है? 300 रुपये किलो सर। 600 रुपये जी। डंडिया जी। बहुत महंगी दे रहा भैया। कुक्कड़ क्या साहब है? कुकड़ 300-350 यही बेचते हैं। सर ये बक्का मच्छी कहते हैं इसे। बक्का जी। ये क्या साहब? 200 रुपये किलो सर। 200 जी। ये कौन सी है? मिक्स है। ये कौन सी है? मिक्स है। कौन सी है? दामन। दामन दामा जी। ये दामा क्या साहब है? 300 रुपये किलो सर। 300 रुपये किलो। और ये कुने है की दाना। कुने? ये क्या साहब है? ये भी 300 रुपये किलो। 300 जापान मच्छी है ये। ब्लैक और इधर ने? हाँ ब्लैक तो ना। पल्ला मच्छी सर? ये पल्ला मच्छी है। अच्छा ये समंदर की पल्ला है? जी जी। ये क्या साहब है? 600 रुपये किलो सर। 600 रुपये जी। अच्छा समंदर की पल्ला जो है वो इतनी सस्ती क्यों है भाई? दरिया की पल्ला तो 2-2 हज़ार रुपये की है, 5-5 हज़ार रुपये की। ये छोटी है ना सर, साइज के हिसाब से होती है। असल पे छोटी है ना, इस वजह से साइज के हिसाब से होती है। साइज के हिसाब से जी। जितना साइज बड़ा होगा उतनी महंगी होगी। बड़े होंगे तो 1200 रुपये किलो, 1800 रुपये किलो। मुख्तलिफ किस्म के देखेंगे। सही बताना, ये पल्ला ही है ना? जी जी पल्ला ही है। ओरिजिनल है सर। ये डांगरा पूछे क्या किलो है? ये क्या किलो है? अच्छा 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो भैया। ये इतनी महंगी क्यों है? इसलिए सब मच्छियों का सरदार मच्छी है। अच्छा खाने के अंदर ऐसा है कि टनाटन। इनमें गाले में इनमें गाला है। ये सर गोली है, ये जो ये पड़ी है ना, ये गोली है। गोली? हाँ गोली है। साबुत जो है ये तकरीबन 6000 रुपये किलो है। इसके अंदर पोटा निकलता है ये। उसके बाद में ये 700-800 रुपये किलो हम लोग गोश्त देते हैं इसका। ये डांगरी है, सबसे वीआईपी मछली है खाने में डांगरी जी। ये पल्ला है, ये पल्ला है, ये पल्ला है। हाँ भाड़ी भी होती है ना ये। ये क्या किलो भैया? ये पल्ला जो है दाने के हिसाब से बिकता है। ये 500 से लेके 5000 रुपया 3000 रुपया दाने तक बिकता है। ये जैसा साइज बड़ा होता है ना। अभी क्या डिमांड? अभी क्या डिमांड है ये? अभी इस हालत में भी तकरीबन 800-700 रुपये किलो है। ये मुश्का है, ये 400 ग्राम वाला है, ये तकरीबन 300 रुपये किलो है। ये किलो अप जो है ये तकरीबन जो है 500 रुपये किलो है। यही मुश्का है? ये भी मुश्का है। ये ओरिजिनल मुश्का है, दो दांत वाला इसको कहते हैं। ये दो दांत का ओरिजिनल मुश्का इसको कहते हैं। और ये डोरी का माल होता है, जिंदा माल होता है। ये कितने बताया आपने? 500 रुपए किलो। किलो आप किलो से ऊपर होता है इधर। ये डांगरी है? डांगरी है जी। ये क्या किलो? ये 800 रुपए किलो। 400 रुपए? 800 रुपए किलो। 800 रुपए जी। और कौन कौन सी मछलियाँ आपके पास? और कुक्कड़ है। कुक्कड़? कुक्कड़ क्या साहब है? कुक्कड़ 300 रुपए किलो। 300 रुपए जी। ये दंडिया है? दंडिया क्या? 350 रुपये किलो। 350? ये भी? ये 250 रुपये किलो। ये भी जल्दी है जी। और ये वाली? ये डाटी है। डाटी जी। ये क्या था? ये 500 रुपये किलो। 500? ये गोली मुश्का है। गोली मुश्का? ये क्या था? ये 500 रुपये किलो। ये रामस है? रामस है जी। ये 1000 रुपये किलो है जी। ये मुश्का है, ये 600 रुपये किलो है।
ये किलो कितना है? क्या सर? एक ही है। अच्छा यहाँ से कोई किश्ती वाला आया, टोकरा रखा, तुमने उनके साथ बोली लगाई तो तेरे को सस्ता पड़ेगा। अच्छा व्यापारियों ने ले ली, फिर व्यापारियों से तुम लेगा तो तेरे को महंगा मिलेगा। अच्छा ये तो लेके रखी है इन्होंने, इन्होंने खरीद के अभी ये बेच रहा है। ये कौन सी है? इसकी क्या रेट है? इसके भाई 150 रुपया किलो में। 150 रुपये? 150 रुपये किलो। छोटी 120 रुपये किलो है, बड़ी वाली ये 150 रुपये किलो है। ये भी मुश्किल है। ये सोल है? ये सोल है। ये कितने बता रहे? ये 150 रुपये किलो में आएगा, वो 120 रुपये किलो में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने खुद खरीद के रखी है, अभी ये कितने में भी बेचे मर्जी का मालिक है। यहाँ के जो माइगर हैं ना बेचारे, वो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि वो जो मछली लेके आते हैं यहाँ से आधे दाम में लेते हैं ये लोग। अच्छा तो ये खुद टकरे दाम में बेचते हैं। अच्छा ये कौन सी? ये सारम है। सारम क्या साहब है? ये सारम तकरीबन 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो? जी सही। ये वाइट कौन सा, ब्लैक है? ये ब्लैक है। ये क्या साहब है? ये 250 रुपया। 250 रुपये। और कौन कौन सी है? धंधिया? हाँ ये धंधिया है। धंधिया क्या साहब है? ये 200। 200 रुपये? जी। ये भी 200? हाँ। मीठे पानी की है? ये समुंदर की। ये कौन सी है? ये इसको बोलते हैं घिंगड़ा धोतर। घिंगड़ा धोतर? हाँ। ये कितने की है? ये भी समझो 200 रुपये किलो चल रही है। 200 रुपये किलो? जी। और ये? ये भी एक ही है। अच्छा अच्छा, ये भी 200 रुपये की है। इसको बोलते हैं रहू। रहू? हाँ। ये दो, हाँ मीठे भी की है। 200 रुपये से चल रही है। मीठे पानी की है? नहीं मीठे की है, फार्म की नहीं। ये क्या साहब है? ये 200-250। 200 से 250? हाँ। ये कौन सी? ये सुरमई। सुरमई? हाँ दो नंबर। सुरमई दो नंबर? ये कितने की है? एक नंबर तो पड़ेगी आपको 800-900 रुपये किलो, ये पड़ेगी आपको 150-200 रुपये किलो। 150-200 रुपये किलो? हाँ। सुरमई की तरह की है? मतलब सुरमई तरह की है लेकिन सुरमई नहीं है। अच्छा ये चाइना सुरमई हो। ये कौन सी है? ये सिल्वर। सिल्वर? सिल्वर रामस? हाँ। ये कितने की है? 150। 150? ये भी वही है सिल्वर रामस? हाँ एक ही है। ये कौन सी है? ये है दो नंबर पापलेट, जो वाइट वाली है ना, ये भी वाइट वाली है लेकिन वो 800-900 रुपये किलो चल रही है, ये समझो 250-250 रुपये किलो चल रही है। 250-250 रुपये किलो। वैसे इस मछली का असल नाम क्या है? इसका नाम है जलेबी पापलेट। जलेबी पापलेट? एक ये कौन सी है? ये वाली? ये वाला मुश्का है भाई। मुश्का? ये क्या साहब है? ये 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? जी जी। और ये सारम? ये सारम सुरमा, ये 500 रुपये किलो है। ये सारम 500 रुपये? जी जी। ये कौन सी है? ये वाली है 600 रुपये किलो, टूना पीस है। टूना थाने के साथ भी है। और ये किस्सा 700 रुपये किलो है। ये किस्सा तो ये है ना? हाँ। ये 700 रुपये? जी जी 700 रुपये किलो। ये कौन सी है? ये फुचले भी पापलेट, हिरानी पापलेट। ये क्या साहब है? ये 700 रुपये। ये भी? ये भी 700 है। जी जी। ये कौन? दंडिया? ये दंडिया दया 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 दया। ये क्या साहब है? ये 400 रुपये, 350 भी लगा देंगे। हाँ सही बात है। ये झिंगड़ा? ये झिंगड़ा? ये 200-150 टूना पीस है। ये टोकरियों के हिसाब है 400-500-1000-800। ये 400 का टोकरी? 400 का टोकरी? ये टूना है? है टूना नहीं, कौवा है। ये तीनों एक ही है ना? टूना पीस कहलाती है ये? तीनों टूना पीस कहलाती है। इसमें खून ज्यादा होता है? ये काटो तो। ये वही दहिया है? ये भी दहिया है। वही है 300 रुपये? जी जी। मीठे पानी वाली? मीठे पानी की है? हाँ मीठे पानी की। ये कितने की है? ये समझो दो बड़ी होती है 200 रुपये किलो, अगर छोटी है तो 150 रुपये किलो। वो तीनों एक ही है सर जी? अच्छा ये तीनों एक ही है। हाँ ये रहू? ये रहू है। हाँ अगर बड़ी है तो समझो 250-300 रुपये किलो चलती है, अगर छोटी है तो 150। छोटी 150 रुपये किलो हम लोग लेके आते, फिर 200 में चला दे, 50 रुपये तो हमको भी चाहिए फायदा। अभी ये कितने? 200 रुपये किलो? हाँ अभी 200 दे रहे हैं, 150 हम लोग लेके आते हैं। हाँ ये तो ये वही है दया, मीठे पानी का, मीठे पानी का दया दया दया। ये वही गिंगड़ा रखा हुआ है? ये गिंगड़ा है। हाँ बांगड़ा है? बांगड़ा? बांगड़ा? हाँ। ये कितने की है? दोनों टोकरी 500 की।
दोनों 500 की। ये कौन सी गुलफाम है? ये रोहू है, रोहू। रोहू दोनों टोकरी चाहिए 550 की। ये कौन सी? फौजी पापलेट। फौजी पापलेट, हाँ फौजी है ना, देख लीजिए उसका एड्रेस आप। ये दोनों भाई 400 रुपए की है। दोनों 400 की? हाँ किलो, दोनों टोकरे, दोनों टोकरे। हाँ 400। हाँ सस्ती दे दी भाई, वही दया है। हाँ दया है। ये हीरा गुलफाम है, गुलफाम। हाँ मीठे की है, दोनों 600 की है ये। हाँ हाँ ये गिंगला है, ये एक टोकरी 400 की है। हाँ पूरा ये कितनी होगी? ये तकरीबन 2.5 किलो, 3-2.5 हो जाएगी। ये वही है। तो तुम्हारे पास समंदर के पास खड़े हो और दरिया की मछलियाँ बेच रहे हो, क्या वजह, कहाँ से आ रही है? ये पिछड़ी से लेके आते हैं। पिछड़ी से लेके? हाँ। चलो 1500 की है। 1500 की एक मछली है? हाँ एक मछली। तीनों 1500 की? नहीं नहीं एक एक 1500 की है। एक में कितना किलो होगा? एक में 4-5 होगा। 4-5 किलो होगा। हाँ सर जी, ये 1500 रुपये की एक है और उसमें 4-5 किलो जो है गोश्त है सारा में ना ये तो। सही सही। चलें जी, तो ये हमारी वीडियो थी इब्राहिम हैदरी की और इसमें हमने आपको रेट दिखाया। दूसरा ये कि अगर आप इब्राहिम हैदरी में ख़ुद मछली ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे से सुबह और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग है, क्योंकि ये वो टाइमिंग है जब यहाँ पर जो माहीगीर हैं वो मछलियाँ पकड़ के लेके आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ फ़रोख्त करते हैं, जिसके बाद जो व्यापारी हैं वो ये मछलियाँ ख़रीद लेते हैं और फिर वो यहाँ पे बेच रहे होते हैं। तो अगर आपको सस्ती मछली चाहिए तो 6 बजे से 8 बजे तक सुबह इब्राहिम हैदरी से ये मछली आपको सस्ती मिलेगी। और ढेरी कहलाती है, ढेरी यानी कि टोकरा, मतलब जितनी भी होगी वो क्वान्टिटी, उस क्वान्टिटी में वो बेचते हैं। तो ये सूरत हाल थी जनाब। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसा भी है कि हमारे मुल्क की जो अच्छी मछली है वो एक्सपोर्ट होती है गल्फ कंट्रियों में और दूसरे ममालिक में, उनके आर्डर्स होते हैं जो बाई एयर जाते हैं। तो ज़ाहिर कुछ मछलियाँ जो हैं वो इस हवाले से महंगी हैं कि वो एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो मछलियाँ हैं वो आपको मुनासिब रेट पर मिल जाएंगी और आपको ताज़ी मछलियाँ भी मिल जाएंगी। तो इसके लिए जो इब्राहिम हैदरी की जो मार्केट है बहुत पुरानी मार्केट है, यानी उस मार्केट से आप अच्छी मछलियाँ जो है वो ख़रीद सकते हो, लेकिन आपको आना जल्दी पड़ेगा, ये बहुत मस्त है। तो अगर आप सवेरे आओगे तो आप अच्छी मछली आप ख़रीद सकते हो। देखिए एक उसमें दो तीन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि मछली को आप पेट पे हाथ लगा के देखने कि वो ज़्यादा नरम तो नहीं है, इस तरह के उसके जिस्म में आपकी उंगली घर तो नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि उसका आप जो कली जो है उसको खोल के देखे हुए अगर वो उसमें पीलापन है तो वो बासी मछली है या पुरानी मछली है। आप कली मछली की ज़रूर देख लिया करें, अगर वो बिल्कुल खून की तरह लाल हो तो वो मछली ताज़ी है। तीसरी जो क्वालिटी है वो मछली को आप गलफड़ों से पकड़ के उसको ज़रा दबाओगे तो उसमें से अगर खून जो है वो सही वाला सीधा निकलता है तो मछली ताज़ी है, अगर वो पानी के साथ या फिर पीलापन उसमें आता है तो फिर वो मछली जो है वो बांसी है। तीसरी अहम बात यह है कि बांसी मछली के गोश्त से थोड़ी आपको स्मेल आएगी, बू आएगी, तो उसको भी जो है मछलियों की बू ऐसे अलग होती है अपने किस्म की, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जो ख़राब हो जाती है या फिर जो वो सी क्लास हो जाती है तो फिर वो उसमें ये है कि उसमें ज़रूर आएगी ना। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बाकी क्वालिटी वाइज जो है वो हर मछलियों में इस तरह की क्वालिटी की ए बी सी ग्रेड की होती है। बाकी रेट में जो है वो जो मछलियाँ एक्सपोर्ट कम होती हैं उनका रेट कम होगा, जो मछलियाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं उनका रेट ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर काला पापलेट है, सफ़ेद पापलेट है, सुरमाई है, सियरी राउंस है या फिर जो है गिस्सर है, तो इस तरह की जो मछलियां हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं तो वो महंगी मछलियां हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे इकसाम हैं
वो आप खरीद लीजिएगा, कोई ऐसा वो नहीं है।